जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां कालरात्रि भद्रकाली, नमो नमः, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय भैरव बाबा, जनांगे बाबा। आज सातवां नवरात्र है, आप सभी को सातवें नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं श्रवण राजपूत, मां दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का मां दुर्गा की ब्लेसिंग के साथ स्वागत करता हूं। तो पहले 6 वीडियो मैंने आपको बनाए, आपने देखे हैं, शायद नहीं देखे, पता नहीं, लेकिन मैं तो अपनी माँ की उसमें माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, भक्त हैं उनके, जैसे भी छोटी मोटी करते हैं, तो हमारा तो काम है उनका नाम लेना, तो हम तो कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाएं, देखना तो सभी का, जो भी देखना चाहे देख सकते, जो नहीं देखना चाहे उनकी अपनी इच्छा हो सकती है। तो आज सातवां नवरात्रा है, सातवां नवरात्रा में माँ दुर्गा का रूप कौन सा आता है, माँ कालरात्रि, जो बहुत ही खतरनाक रूप होता है देखने में, यानी कि माँ काली, माँ भद्रकाली, माँ चामुंडा भी, माँ गोकाली, दक्षिण काली, महाकाली, कामा काली, श्यामा काली, वो सारी एक ही हैं। तो उनका ये आज सातवां दिन है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है माँ काली की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसको स्ट्रॉन्ग रूप बोलते हैं, हरेक श्याम दाम दंड भेद हरेक तरीके से काम कर सकती है वो एनर्जी, इस प्रकार से माँ काली की एनर्जी होती है। तो आज का जो मंत्र होता है, वैसे सिंपल ओम माँ दुर्गा वाला मंत्र, जो बीज मंत्र है, निवारण मंत्र है, वो यूज कर सकते हो, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विचे, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विचे, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विचे, ये तो हो गया निवारण मंत्र। लेकिन अगर आप सिंपल मंत्र करना चाहते हो, निवारण मंत्र में कई बार कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाता है, तो सिंपल मंत्र करना चाहते हो तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी अक्षमा दुर्गा अक्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमस्तुते, ये भी मंत्र है, या प्रसिद्ध मंत्र आप यूज करो, जो मैं मोस्टली आपको कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या इसका अलग से मंत्र यूज कर सकते हो, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से आप मंत्र यूज कर सकते हो, पूजा वही हो, सिंपल पूजा कीजिए, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, फरोट दे सकते हो, जो जला के अपनी मंत्र कर सकते हो और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। तो आज जो कथा होती है सिंपल कथा है, क्योंकि पहले वाले उसमें छठे में राक्षसी शुंभ और निशुंभ का वध हो गया था, उसके बाद आज की जो कथा होती है उसमें सारे देवता मिलके माँ आदिशक्ति की प्रार्थना करते हैं, हरेक रूप की प्रार्थना करते हैं, जितने भी रूप है, ब्रह्मानी, इंद्रानी माँ, कार्तिकी माँ, कौशिकी माँ, माँ कालरात्रि माँ, माँ शाकुंभरा, माँ दुर्गा, माँ भ्रामरी, माँ भीमा देवी, माँ चामुंडा देवी, माँ रक्तदंतिका, माँ वैष्णव, जितने भी रूप हैं सभी का पूजा करते हैं और उनकी उनसे वरदान मांगते हैं कि जब जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, तो आप आके हमारी सहायता करें। तो माँ आदिशक्ति भी इस दिन देवताओं को पूरे वरदान देती है और उनको अपने बारे में बताती भी है। तो अलग अलग रूप को रक्त दंतिका किसे कहते हैं, कि जब माँ आदि शक्ति वह प्रचित नामक राक्षसों का वध करती है, तो उनके दांत वध करते हुए रक्त की वजह से, खून की वजह से लाल हो जाते हैं, इसलिए उनको रक्त दंतिका बोलते हैं। जब वो दुर्गम राक्षस का वध करती हैं तो उनका नाम दुर्गा, माँ दुर्गा के नाम से उनकी पूजा की जाती है। जब कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती
और अपने 100 नेत्रों से वो ऋषि पृथ्वी को देखती है, सभी ऋषि मुनियों को देखती है, आंखों से बारिश होती है, तो उसका नाम स्तक्षी हो जाता है। जब अकाल पड़ता है संसार में, कोई सब्जी, कोई अनाज, कोई चीज़ नहीं होती, तो माँ आदि शक्ति अपने एनर्जी के द्वारा साग सब्जी फल फ्रूट सब उत्पन्न करती है, इसलिए उनका नाम शाकुंभरा हो जाता है। उसी प्रकार महासुर का वध करने के लिए जब माँ आदि शक्ति 6 पैरों वाले भंवरे का रूप धारण करके उस राक्षस का वध करती है, तो उसी कारण उसको माँ भ्रामरी के रूप से जाना जाता है। तो प्रत्येक रूप नाम अलग अलग हैं, लेकिन माँ दुर्गा है एक ही। तो आप बिल्कुल सही तरीके से या अनजान तरीके से मतलब नाम लेना जरूरी है श्रद्धा के साथ। श्रद्धा में अगर भूल चूक हो जाए तो माँ आदिशक्ति माफ करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है नारियल ऐसे क्यों रख, वो सुपारी नीचे क्यों डाल दी, पान का पत्ता इधर को, जैसे भी आप रख सकते हो सुपारी या कोई भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हो चढ़ा दो, उससे माँ प्रसन्न ही होती है, कुछ नुकसान नहीं होगा। श्रद्धा के साथ करो और लास्ट में अपना उनसे मांग लो कि मुझे पूजा करनी नहीं आती, मंत्र करने नहीं आते, जोत जलानी नहीं आती, सिंपल से परमेश्वर आप डाल दो कि जितनी भी मैंने कम ज़्यादा गलती की है या कम ज़्यादा पूजा की है, आपसे अनुरोध है कि उस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो, ये आप परमेश्वर डाल दो, तो माँ आदिशक्ति प्रसन्न हो जाती है। तो आज के दिन इतना ही है, उसके बाद जब सारे माँ बता देती है, तो माँ के बताने के बाद मंत्र ध्यान हो जाती है। उसके बाद जो राजा थे, राजा सूरत और वैश्य थे, जिन्होंने शुरुआत की थी कहानी सुनने की ऋषि मेधा उनसे कि योग माया कौन है, आगे माँ कोश की कौन है, तो उनको जब सारी कहानी बता देती है, उन्होंने फिर पूजा की माँ आदि शक्ति की, मिट्टी की मूर्ति बना के फल फ्रूट चढ़ाए, सब कुछ ध्यान से पूजा की, तो माँ ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उनके इच्छानुसार उनको वरदान दिए। तो आज की ये कथा है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय मां काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नांगे बाबा, जय भैरव बाबा। मां दुर्गा, मां आदिशक्ति, मां कालरात्रि, मां भद्रकाली आपको हमेशा प्रोटेक्शन प्रदान करे, आपकी सारी ब्लॉकेज दूर करे, आपकी नेगेटिविटी दूर करे, घर में सुख शांति बरकत दे, यही सातवें नवरात्र में आपके लिए मां दुर्गा से प्रार्थना है। जय माता दी।